स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, लिखा हुआ है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इस वीडियो में, प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको वीडियो को पॉज करना है और आंसर आपको स्वयं से देने का प्रयास जरूर करना है, जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लिखा है यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है 0, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, सभी गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तनशील। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लिखा है जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, स्थिर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लिखा हुआ है तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, लिखा है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लिखा है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, लिखा है द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, लिखा है ताप बढ़ने पर द्रव का सायनता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटती है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, लिखा है ताप बढ़ने पर गैस की सायनता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, लिखा है एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, लिखा है पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक पानी का टब लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, ठीक है, और पानी का लेवल देख लीजिएगा, पानी कहाँ कितना भरा हुआ है उसमें। उसके बाद में उस टब में भरे हुए पानी से, जो टब है उसमें आप एक बर्फ़ का बड़ा सा टुकड़ा डाल दीजिए, बर्फ़ का टुकड़ा गल जाएगा लेकिन पानी का जो जल स्तर है जितना था पहले उतना ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, यही कहा गया है इसमें, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। या प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, लिखा हुआ है एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझने का हमेशा प्रयास करिए। लिखा हुआ है एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की जो वायु है उसका ताप क्या होगा, मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, ये बोला गया इसमें, ठीक है, तो बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, लिखा हुआ है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, घट जाएगा,
अपरिवर्तित रहेगा? कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है, नष्ट हो जाता है। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नष्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आपको ये सभी क्वेश्चन पता होंगे, आपने प्रैक्टिस सेट में ज़रूर देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, लिखा हुआ है, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध घटता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, लिखा है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, प्रोटॉन खोता है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन खोता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, लिखा हुआ है, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। 19 देखेंगे, लिखा है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है, बढ़ता जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है, अपरिवर्तित रहता है। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, लिखा हुआ है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व कम हो जाता है, वही रहता है, बढ़ जाता है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, लिखा है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा आधी रह जाएगी, एक चौथाई रह जाएगी, दोगुनी रह जाएगी, चार गुनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक चौथाई रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, लिखा है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है, बढ़ जाता है, ना घटता है, ना बढ़ता है, जल बर्फ बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, लिखा है, किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल चार गुना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, वही रहेगा, अंडर रूट टू गुना बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडर रूट टू गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, लिखा है, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल ऊपर उठेगा, घटेगा, वही रहेगा, सभी सत्य है। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती, अधिक होती, अपरिवर्तित रहती, घटती बढ़ती रहती। तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम होती। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियत रहती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, लिखा है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणावेशित हो जाती है, उदासीन हो जाती है, या उदासीन रहती है, धनावेशित हो जाती है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धनावेशित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, लिखा है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार कम होता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, लिखा है, ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, लिखा है, भूमध्य रेखा से
ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है, घटता जाता है, नियत रहता है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, लिखा हुआ है लोहे में जंग लगने पर उसका भार घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।